please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चट्टा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। तबाही और बर्बादी की धमकियों से डराने वाले तानाशाह किम जोंग ने अचानक अपना तेवर बदल लिया है। उसके बदले अंदाज ने पूरी दुनिया को और भी उलझा दिया है। किम की सल्तनत में अब तक हार और नाकामी की सजा मौत होती थी, लेकिन बदला हुआ किम हार पर जश्न मना रहा है, अपने दुश्मनों को शुक्रिया का संदेश भेज रहा है। उसके ये तेवर अब ट्रंप के लिए नया सिरदर्द बन गया है। जो तानाशाह अब तक तबाही की बात करता था, जिसके सर पर हमेशा बर्बादी की सनक सवार रहती थी, जो हर सुबह अमेरिका को नया अल्टीमेटम देता था, वो अचानक ही बदल गया। आए दिन परमाणु धमाकों से दुनिया को दहलाने वाले किम जोंग का बदला हुआ अंदाज विंटर ओलंपिक्स में सामने आया है। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। विंटर ओलंपिक्स के दौरान जब किम ने संयुक्त टीमें दोनों देशों की उतारने का फैसला किया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। और तो और, जब किम ने इस ओलंपिक के लिए अपनी बहन को भेजा तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए। विंटर ओलंपिक्स को लेकर किम के हैरान करने वाले फैसलों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता है। किम ने अपनी बहन किम यो जोंग के दक्षिण कोरिया से लौटने के बाद जो संदेश दिया, उससे दुनिया में एक नई बहस शुरू हो गई है। खासकर अमेरिका की उलझन सबसे ज्यादा बढ़ गई है। किम ने दक्षिण कोरिया से अपने प्रतिनिधि मंडल के लौटने के बाद जो संदेश जारी किया है, उसमें दक्षिण कोरिया को शुक्रिया कहा गया है। किम जैसे तानाशाह का दक्षिण कोरिया को धन्यवाद संदेश देना अपने आप हैरान करने वाला है। दक्षिण कोरिया ने मेरी बहन और हमारे प्रतिनिधि मंडल की जिस तरह मेहमान नवाजी की, वो तारीफ के काबिल है। विंटर ओलंपिक्स की वजह से दोनों देशों के बीच जो माहौल बना है, उसकी नींव पर हमें रिश्तों की नई इबारत लिखनी होगी, जिसके अच्छे नतीजे आएंगे। दक्षिण कोरिया को किम का ये संदेश कूटनीति की एक बड़ी शुरुआत समझा जा रहा है, क्योंकि इससे उत्तर और दक्षिण कोरिया के 70 साल पुराने खराब रिश्तों को बेहतर शुरुआत मिलते दिख रही है। पैंसठ साल की जो दुश्मनी है, वो एक मीटिंग से अगर किम चाहता है या सोचता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कुछ भी ठीक होगा। किम ने दक्षिण कोरिया को सिर्फ शुक्रिया ही नहीं कहा है, बल्कि बातचीत आगे बढ़ाने की पेशकश भी की है। यही नहीं, किम की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन को उत्तर कोरिया आने का न्योता भी दिया था, जो किम की ओर से मून को सौंपा गया था। किम का दक्षिण कोरिया से लगातार दोस्ती का हाथ बढ़ाना अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। तो अभी उसके लिए लाजमी है कि ये रिश्ते नाते जोड़े जाएं, ताकि कुछ सैंक्शंस हटें, और कुछ नहीं हटती तो साउथ कोरिया उसकी मदद करना शुरू करे। इसको निगाह में रखते हुए इस माफी की कोशिश की जा रही है। किम दक्षिण कोरिया से दोस्ती के साथ साथ कई और मोर्चों पर अपनी कूटनीति के मोहरे बिछा रहा है। दुनिया पहली बार किम को हार पर खुश होता हुआ देख रही है। विंटर ओलंपिक्स के आइस हॉकी में उत्तर और दक्षिण कोरिया की संयुक्त टीम मैदान में उतरी। इस दौरान उत्तर कोरिया के चीयर लीडर्स ने संयुक्त कोरिया के झंडे लहराए। कोरिया की संयुक्त टीम स्विट्जरलैंड से बुरी तरह हार गई। इसके बावजूद उत्तर कोरिया की चीयर लीडर्स ने जमकर जश्न मनाया। कितनी बढ़िया प्लेयर्स होते नॉर्थ के और कितने बढ़िया प्लेयर्स होते साउथ के, उनकी कोई इंटीग्रेशन तो थी नहीं। लास्ट राउंड पे आप लगा दो तो वो टीम एक दूसरे को जानते नहीं, किसने किसको पास करना है, क्या करना है,
तो इंटीग्रेशन तो थी नहीं, रिजल्ट तो ऐसे आने थे। कोरिया की संयुक्त टीम की 8-0 से हुई हार के बाद उत्तर कोरिया की चीयर लीडर्स ने जिस तरह जश्न मनाया उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। साथ ही किम जैसे तानाशाह का ये रवैया दुनिया को हैरान कर रहा है, क्योंकि अब तक यही माना जाता था कि किम की सल्तनत में हार और नाकामी की सजा मौत होती है। लेकिन इस हार के बाद किम के जश्न ने ट्रंप का सरदर्द बढ़ा दिया है। अमेरिका उसको बर्बाद कर देगा और ये टाइम आने वाला है। एक तो उसको साफ तौर पे लग रहा है कि मुझे लग रहा है, मेरी कन्विक्शन है कि उसने अपना हैंड जो है या अपने कार्ड थोड़े ओवर प्ले कर दिए। किम खेल के मैदान पर हुई हार से कूटनीति की बाजी जीत रहा है, जबकि उत्तर कोरिया पर लाख पाबंदी लगाने के बाद भी अमेरिका का सरदर्द बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि किम के इन कूटनीति के मोहरों के पीछे कई ताकतें काम कर रही हैं, जिनके निशाने पर अमेरिका है। विंटर ओलंपिक्स के नाम पर किम कूटनीति के नए नए मोहरे चल रहा है। किम की इस रणनीति को लेकर दुनिया भर के जानकार बढ़ गए हैं। कोई इसे उत्तर और दक्षिण के रिश्तों की नई शुरुआत मान रहा है तो कोई इसे किम का नया दाव कह रहा है। किम की इस कूटनीति ने अमेरिका को सबसे ज्यादा उलझन में डाल दिया है, क्योंकि अमेरिका समझ रहा है कि दुनिया की कई ताकतें किम के कंधे का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रही हैं। किम हारकर भी मना रहा है जश्न। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों का भी किम पर नहीं हो रहा है असर। किम की नई कूटनीति में उलझी दुनिया। हार के जश्न से किम ने उड़ाए ट्रंप के होश। किम को हार बर्दाश्त नहीं है। तानाशाह के दरबार में नाकामी की सजा सिर्फ मौत है, लेकिन बदला हुआ किम हार पर जश्न मना रहा है, दुश्मन को शुक्रिया कह रहा है, बातचीत की पेशकश कर रहा है। किम की इस रणनीति ने दुनिया भर के जानकारों को दो खेमों में बांट दिया है। यही नहीं, कूटनीति की इस बिसात से किम ने अमेरिका का भी सरदर्द बढ़ा दिया है। हम हर प्रकार के डिप्लोमेटिक ऑप्शन पहले देखना चाहते हैं। सो किम जो है थोड़ा घबराया भी हुआ है। अगर अमेरिका को कभी भी मौका मिल गया, अमेरिका ठोक देगा। किम अपनी रणनीति के तहत दक्षिण कोरिया से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। दोनों देशों के रिश्तों में बढ़ती गर्माहट ही अमेरिका को परेशान कर रही है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि किम चीन के इशारे पर दक्षिण कोरिया से रिश्ते सुधारने की बात कह रहा है, ताकि अमेरिका को कूटनीति की बिसात पर मात दी जा सके। नॉर्थ कोरिया के अलावा 60% चाइना के ऊपर भी नजर रखे हुए, रशिया के ऊपर भी नजर रखे हुए। दोनों रशिया और चाइना चाहते हैं कि ये उनको हटा दिया जाए, ताकि उनके ऊपर जो एस्पियनेज इनडायरेक्टली हो रहा है वो बंद हो जाए। कोरिया प्रायद्वीप में दक्षिण कोरिया अमेरिका का सबसे बड़ा गढ़ है। ये इलाका चीन के बेहद करीब है। चीन नहीं चाहता है कि उसके पड़ोस में अमेरिका का सैन्य ठिकाना मजबूत हो। यही नहीं, चीन की कोशिश है कि कोरिया प्रायद्वीप में उसका दबदबा और बढ़े। लेकिन जापान और दक्षिण कोरिया की अमेरिका से ऐसी नजदीकी है कि चीन के मंसूबे पूरे नहीं हो पाते। ये दोनों देश उत्तर कोरिया के आक्रामक रुख की वजह से ही अमेरिका के करीब है। चीन दक्षिण कोरिया से किम के रिश्ते ठीक कराकर अमेरिका को इस इलाके से हटाने का ख्वाब देख रहा है। अगर चाइना इसको नहीं सफल होता तो जो ट्रेड इम्बेलेंस है अमेरिका और चाइना का, जिसके बारे में वो बार बार थ्रेट देता रहा लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया, वो शुरू हो जाएगा। ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी बिटवीन अमेरिका एंड चाइना। अमेरिका कूटनीति के इस समीकरण को अच्छी तरह समझ रहा है, इसलिए वो एक तरफ उत्तर कोरिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पैरवी कर रहा है तो दूसरी ओर किम से बातचीत का भी संकेत दे रहा है। यही नहीं, दक्षिण कोरिया के साथ भी अपने रिश्तों को लेकर ट्रंप प्रशासन ने बयान जारी किया है।
इससे साफ है कि किम ने अपनी कूटनीति से अमेरिका को बुरी तरह उलझा दिया है, जिसके बाद अमेरिका अपनी रणनीति नए सिरे से बनाने के लिए मजबूर हो गया है। किम को मोहरा बनाकर चीन अमेरिका को कूटनीति की बिसात पर चित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि किम इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों से राहत पाने का ख्वाब देख रहा है। अमेरिका यह समझ रहा है कि किम और जिनपिंग ने जो मोहरे चले हैं उसका जवाब जल्द से जल्द दिया जाना जरूरी है, क्योंकि वो जितना देर करेगा उसके खिलाफ गठबंधन उतना ही मजबूत होता जाएगा। हार का जश्न मनाता किम जोंग अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल बन चुका है, क्योंकि किम सिर्फ एक मोहरा है, जबकि उसके पीछे कई ऐसी ताकतें हैं जो अमेरिका को नीचा दिखाना चाहती हैं। इस तरह किम के बहाने अमेरिका के खर हो रहा है। अमेरिका किम से ज्यादा अपने खिलाफ बन रहे गुट से परेशान है, ऐसे में उसे उत्तर कोरिया के खिलाफ नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ रही है। यही वजह है कि अब अमेरिका किम से बातचीत के संकेत दे रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा है कि अमेरिका उत्तर कोरिया के साथ बातचीत को तैयार है, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका के खुफिया विभाग के अफसरों का मानना है कि अब उत्तर कोरिया के खिलाफ कार्रवाई का समय आ चुका है। उत्तर कोरिया के खिलाफ हमें क्या कार्रवाई करनी है, उसके खिलाफ कौन सी रणनीति बनानी है, उसके लिए अब आखिरी वक्त आ चुका है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति और खुफिया विभाग के बयानों से साफ है कि अब अमेरिका के लिए उत्तर कोरिया बड़ा सरदर्द बन चुका है, जिसके बारे में आखिरी फैसला लेना ट्रंप प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर इनके रिश्ते नाते बढ़ जाएं, तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कार्रवाई करना। किम के कंधे पर बंदूक रखकर चीन जो मोहरे चल रहा है उससे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि चीन एक तरफ अपने मंसूबे पूरे कर रहा है, दूसरी ओर उत्तर कोरिया की भी मुश्किलें कम कर दे रहा है।